अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख सकता हूं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आपका स्टेटस देख लिया है, तो क्या आप यकीन करोगे? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें से कई लोग आपको ये बताएंगे कि फाइल मैनेजर में जाओ, स्टेटस की फ़ोटोज़ को डिलीट करो वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा, जिसे आप ट्रिक्स भी बोल सकते हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं और कुछ नहीं करना। तो इसके लिए अपना व्हाट्सएप खोल लेते हैं। उसके बाद आपको जो वहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा है, वहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको खोलना है अकाउंट पे, फिर प्राइवेसी में जाना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है, तो आपको दिख रहा होगा रीड रिसिप्ट, तो आपको इसे ऑफ कर देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर आप अपना खुद का व्हाट्सएप स्टेटस कभी लगाते हो तो किसी को नहीं दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो तो सामने वाला बंदा अगर आपके मैसेज को देख लेता है तो आपको ब्लू टिक का साइन दिखाता है। अगर आप इसको बंद कर देते हो तो ये ब्लू टिक का साइन भी दिखाना बंद हो जाएगा, तो आप पता नहीं चल पाएगा कि सामने वाला बंदा ने आपको मैसेज देखा है या नहीं देखा। तो अगर सेटिंग को फिर से आपको ऑन करना है तो आपको फिर से सेटिंग में जाना है, इसको फिर से ऑन कर देना है, तो सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। अब मैं जो स्टेटस प्राइवेसी के बारे में बात करने वाला हूँ, आप में से कई लोगों को ये पता होगा, जिनको पता है अच्छी बात है। तो सबसे ऊपर आपको देखता है माई कॉन्टैक्ट्स का, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स के हैं उन सबको आपका व्हाट्सएप स्टेटस दिखेगा। दूसरा है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, यहाँ पर आप जिनको नहीं दिखाना है अपना व्हाट्सएप आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो, एक दो आप जितना भी चाहें आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा आता है ओनली शेयर विथ, यहाँ पर आप जितने लोगों को शेयर करना चाहते हैं आप उनको टिक कर सकते हैं, सिर्फ उनको ही व्हाट्सएप आपका दिखेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।